कोटड़ी तहसीलदार ने गार्नेट पर कार्रवाई की और 62 टन गार्नेट और 2 सेपरेटर मशीनें जब्त की। लॉकडाउन में भी बजरी माफिया बजरी दोहन करने से बाज नहीं आ रहे, चाहे वह बजरी हो या लाल रेत गार्नेट, दिन हो या रात बस इनका परिवहन किया जा रहा है। बीती रात को सवाईपुर क्षेत्र में कोटड़ी तहसीलदार हनुज सिंह रावत ने 3 जगह पर गार्नेट पर कार्रवाई की, जहाँ 62 टन गार्नेट के साथ ही 2 सेपरेटर मशीनों को जब्त किया। तहसीलदार रावत ने बताया कि बनकाखेड़ा गांव के पास एक गार्नेट फैक्ट्री से कार्रवाई की, जिसकी सूचना माइनिंग विभाग को दी। सूचना पर माइनिंग विभाग से फोरमैन कौशल शर्मा व चालक नरेंद्र सिंह राठौर मौके पर पहुंचे। वहीं फोरमैन कौशल शर्मा ने बताया कि इस गार्नेट में 27 मई को ही मौका पर्चा बनाकर चालान काटा है। वहीं बनकाखेड़ा में राजू जाट की फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई, जहां पर मशीनें लगी हुई थी लेकिन वहां पर कोई काम नहीं चल रहा था। इस तरह बोडियास गांव में स्कूल के पास विक्रम सिंह की फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई, जहां पर 62 टन गार्नेट को जब्त किया। वहीं 2 सेपरेटर मशीनें भी जब्त की गई। माइनिंग विभाग से फोरमैन कौशल शर्मा ने मौका पर्चा बनाया। इस सभी कार्रवाई में तहसीलदार रावत के साथ पटवारी ओम प्रकाश गुर्जर, मदनलाल जाट व राहुल पारिक शामिल थे।